आइए बनाइए। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति कुमारी। बनाइए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको भी बताना है। कई बार बच्चे कैमरा को देख करके भी थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। हाँ, 3, 2, 1 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न है, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक का डी। एक्सरसाइज 9.4 क्लास 8। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सवाल क्या है? एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 into a into b, है ना। अब इसी पे इसको बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर होगा ना, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय x। कोई दिक्कत? अब यहाँ x और x कट गया ऊपर नीचे, क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अब प्लस 2। इतना ही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए, है इतना आंसर। क्या आप लोग इसे समझ गए? ये सवाल अच्छी तरह समझ गए ना। अच्छा, इसी में यदि थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे बदल दूं, x प्लस 1 बाय एक्स के बजाय यहाँ पे यदि x माइनस 1 बाय एक्स में लिख दूं, है ना, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो आप में से कितने बच्चे इसे हल कर सकते हैं? हल कर सकते हो? ठीक है, आइए हल कीजिए बोर्ड पे। ये m नंबर सवाल है, राइट। आइए बनाइए। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति कुमारी। बनाइए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको भी बताना है। बोलते जाओ थोड़ा लाउडली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दो ना। हाँ, यहाँ पे सूत्र जो यूज करना है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं यूज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, है ना, क्योंकि सवाल आपका माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब बनाइए। सूत्र दिख रहा है ना, क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, प्लस बी स्क्वायर। तो तुम यहाँ नीचे क्या लिख रहे हो? हाँ, प्लस करो उसे, अब सही हुआ। माइनस उस वहां स्क्वायर क्यों दिया, वहां ए स्क्वायर थोड़ा लिखा था तुम, 2a into b ना है कि 2a स्क्वायर है, फिर बी लिख लिया। बी का वैल्यू लिखोगे ना, बी के जगह पे क्या यूज कर रहे हो, 1 बाय एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, यही आंसर हो गया। देखिए है इतना आंसर कि नहीं, है ना। और यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू दे दोगे, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। एक्चुअली देखो होता क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अभी भी मैंने बताया है ना, और थोड़ा सा मैंने इसमें प्लस के बजाय माइनस किया और कुछ नहीं किया। इसका फार्मूला भी आप बखूबी जानते थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। लेकिन होता क्या है कि कई बार बच्चे कैमरा को देख करके भी थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, हाँ। और दूसरा बोर्ड पे आने का अपना एक अलग ही भय है, कितना सारा बच्चा हमारा सब देख रहा है, कहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। बेधड़क बनाइए, ठीक है। गलती से घबराइएगा तो फिर सफल नहीं हो पाइएगा, है ना। सफलता होने के लिए यदि एक दो बार असफल भी होना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए, है ना। क्योंकि असफलता या गलती से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैंने कहाँ क्या गलती किया, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं कई बार देखता हूँ कि जब किसी आयोजन में कोई फंक्शन वगैरह स्कूल कॉलेज में यदि हो रहा हो तो वहाँ भी कई बार देखते हैं कि बच्चे जब मंच पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ भी कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके हाथ पांव हिलने लगते हैं, है ना। या अच्छा खासा जिस विषय वस्तु पे उसने गहन चिंतन किया हो या फिर उसे अच्छा से मेमोराइज किया हो, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद जो है सो वो भूल जाते हैं कि आगे क्या बोलना है। तो ऐसा पब्लिक को देख करके या छा मंच पे जाने के बाद थोड़ा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दूर हो जाता है। लेकिन ये दूर तब ना होगा जब आप मंच पे जाना शुरू कीजिएगा, आप कैमरे के पास आना शुरू कीजिएगा। यदि आप कैमरे के पास आइएगा ही नहीं, यदि आप बोर्ड पे आइएगा ही नहीं, तो ये भय तो सब दिन ना बना रहेगा। बात समझ रहे हो।